गाड़ी अपनी रेडी है भाई, लाल कपड़ा लगा के थंबनेल बना ले। हैं थंबनेल थंबनेल बना लूं गाड़ी कौन सी है वो दिखाने पूछने के लिए कि गाड़ी कौन सी अंदर। बस अभी लाल कपड़ा हटाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, अपना घर सीधा। हंटर निकल जाएगी। हंटर भाई, हंटर लिया, हंटर लिया भाई। कौन है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ऐसा है, सुबह उठ चुका हूँ मैं 10 बजे, उससे पहले कितने बजे उठा था मैं, 9:30। और 9:30 बजे उठ के नहा धोकर रेडी हो गया, नाश्ता कर लिया है। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं आज, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, सेक्टर 63 नोएडा। तो भाई आज आर्यन की आ रही है बाइक, तो उसकी बाइक की डिलीवरी लेनी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है सारी। तो भाई वो निकल चुका है, मेरा यहाँ से भाई छोटा रास्ता पड़ेगा हाईवे, और वो खोड़ा सा आ रहा है, तो चलते हैं। भाई सचिन को मैंने फ़ोन किया था, वो भी चल रहा था, 1 घंटा हो गया, पता नहीं सो गया शायद। रात की ड्यूटी होती है ना उसकी, छुट्टी थी कल परसों यार, तो उठाओ उसको घर पर जाकर मार, फोन ही उठा रहा, पता नहीं कहाँ साइलेंट करके सो गया शायद। कोई बात नहीं, फोन आएगा तो बोल दूंगा, आ जाएगा वो। पर अभी निकलते हैं फिलहाल और चलते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम। और भाई एक अच्छी सी बाइक आने वाली है आज, वो आप डिलीवरी के टाइम देखना कौन सी बाइक ले रहे हो हम, मतलब क्योंकि वो लेगा तो मैं भी चलाऊंगा ना। सारांश के सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सारे मेरे बेटे लगते हैं मुझे अपने, बेटे लगते हैं, बेटे ही लगते हैं सारे मेरे अपने, जैसे बेटा तो की माई हो, अम्मा हो रहे हो, जैसे तू है वैसे ही है वो भी। तो खुशी हो रही है कि बच्चा खुद कमा के अपने लिए कुछ खरीद रहा है, बहुत बड़ी बात है। भगवान तुझे भी खुद तरक्की दे। देगा अभी कुछ प्लानिंग चल रही है घर के अंदर, बहुत चीज़ें अभी होने वाली है, देखो कैसा होगा दिखेंगे। कल भाई पूरी प्लानिंग करेंगे चीज़ों की, तो शायद यूट्यूब ग्रो होगा हमारा। अभी तो भाई मतलब जिंदगी ना ऐसी हो रही है, बिल्कुल खराब सी लग रही है, जॉब कर रहा हूँ ना भाई, बिल्कुल मन नहीं लगता जॉब में, कुछ नहीं हो पा रहा। मैं तो ये बोलती हूँ जिस जगह वो जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो। जॉब कैसे एंजॉय करूँ, जॉब नहीं होती भाई मेरे से, भाई जो है जॉब की वजह से फालतू में दिमाग खराब रहता है 24 घंटे, तो मेरा पहली बार फ्रस्ट्रेट रहता हूँ जॉब की वजह से। अभी जॉब कुछ टाइम तक और कुछ टाइम के उस टाइम और तुम्हारा भाई कात से बाहर निकल जाएगा सबकी। ऐसे नहीं बोलते, कात से बाहर मतलब जॉब में समझ लो, ऐसे नहीं बोलते, अच्छा नहीं होता ऐसे बोलना। जब मैं रेडी होता हूँ ना सुबह सुबह, तो रोटी खिलाती रहती है मुझे, मैं रेडी होता रहता हूँ, कपड़े पहन रोटी, और कोई नहीं खिलाता मुझे घर में, इतना दीदी तो छोड़ दो। चल रेडी हो फटाफट, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक मैंने साफ कर दी, अभी लाइट खोलना जरा। वैसे पता है मैं हेलमेट में रुमाल पहनता हूँ पर बहुत कम पहनता हूँ, और ये मैंने डैडी से सीखा। डैडी जब भी हेलमेट पहनते हैं ना, डैडी जब ऑफिस पहले बाइक ले जाते थे तो हेलमेट पहन के ले जाते थे, अब डैडी मेट्रो से जाते हैं बल्कि बाइक ले जाते नहीं। और मुझे अपनी बाइक, मेरी हंक है भाई, 800 लोग हैं मेरी बाइक को भी बिल्कुल ठीक चलती है एवरेज, तो भाई पूछो मत, 100 रुपये के पेट्रोल में पूरी दिल्ली घूम लो उससे। और मेरी बाइक में बहुत दिक्कत आ गई, सारे टायर ख़राब हो गए, तो मेरी बाइक मैं मॉडिफाई कराऊंगा, पूरी ठीक कराऊंगा, नहीं करवाऊंगा, फिर मोटो व्लॉग करा करेंगे, स्टार्ट करेंगे मोटो व्लॉगिंग अपनी। तो अभी पहले चलते हैं, हेलमेट डाल लिया है, रेडी हो गया हूँ, आर्यन शोरूम मिलेगा, चलते हैं। बाइक अपनी सुबह सुबह थोड़ी साफ कर दी थी मैंने, और देखो भाई सीट फट रखी है, पूरे टायर गंजे हो गए इसके, तो सब ठीक कराना है, इंजन ठीक कराना है, सब ठीक कराना है, तो बाद में कराऊंगा। पर देखो धूप में के शाइन कर रही है, लग रहा है इसको 8 साल हो गए, बाइक को देख के अभी भी नहीं कहता कोई कि 8 साल हो गए इसे, कोई नहीं चलो फिलहाल चलते हैं। सेल्फ नहीं लगता यार, किक मारनी पड़ती है कभी भी, तो थोड़ी देर चलाने के बाद सेल्फ लगना चालू हो जाता है। देख रहा भाई 8 साल बाद भी कितनी जान है बाइक में, भाई टेस्ट ड्राइव ले रहा है। तो भैया शोरूम पहुंच गए अभी, और आर्यन लेके, ओ आर्यन है ना, हाँ टेस्ट ड्राइव लेने गया, तो आर्यन अभी बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने गया है। दो बाइक चूज करिए, तो हंटर या फिर कौन सी, क्लासिक, क्लासिक क्लासिक नहीं, क्लासिक नहीं स्टैंडर्ड है वो, क्लासिक वो है वो, मिलिट्री वाला कलर, मिलिट्री वाला कलर है वो, सब बता दे छोड़ो जो भी है। तो भाई ले रहा है टेस्ट ड्राइव, जो पसंद आएगी वो बुकिंग डालेंगे, अभी शाम तक उठानी है बाइक, 5:40 तक, 5:40 भाई ने मुहूर्त निकलवाया है। ऐसे मुहूर्त लेके तूने लिया कभी गाड़ी? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, गेट पास ले लो, गेट पास, मेरे को तो कोई गेट मगर मान लिया, नाम तो और रेड लाइट में डाल दिया हुआ है। रॉयल एनफील्ड की कॉफी पी रहे हैं, कॉफी
बाइक लेगा भाई। मैंने तो अभी तक ब्लॉग भी नहीं शुरू किया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, ना हाथ में आ जाएगी तभी करूँगा। ये कौन सा फायदा हुआ? मोबाइल नंबर रिपीट करिए मेरा 8957। बाइक तो भाई फाइनल कर ली है, अभी डॉक्यूमेंटेशन सारे और उसकी जो भी प्रोसेस रहेगा वो पूरा कर रहे हैं, फिर शाम को 5:30 तक बाइक उठानी है, देखो जैसा भी रहेगा। ये लग से 21,000 रुपए के अलॉय टायर से। ये किसी और की खड़ी हुई क्या? ये भी हमने लगाई हुई है डिस्प्ले में। अच्छा। अगर ये वाली सेम लेने है तो अलॉय और टायर के अलग से 21,000 रुपए खर्चा आएगा इस गाड़ी इसमें। हाँ। तो और जो आपको प्राइस बताया ना उसमें 21,000 रुपए जुड़ेगा। ये वाली अगर हम वेट करके लेते हैं तो 7,000 रुपए जुड़ेगा एक्स्ट्रा ना, तो उसमें कितना मिल जाएगा? 1 महीना लगभग, कम से कम 1 से 1.5 महीना, कम से कम ना। तो भैया शाम के 6 बजने वाले हैं और बाइक जाके अपनी फाइनल हो चुकी है, बाइक की बस हम आधे घंटे में मैक्सिमम डिलीवरी ले लेंगे। और बाइक जो लिए भाई, मतलब मेरे को भी वही बाइक लेनी है और आर्यन की वो बाइक फाइनल हो चुकी है, पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया है, फाइनेंस भी हो गया, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई है। बस अब देखो फोटो खींच रहा भाई पीछे खड़ी, मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, वो आप देखना डिलीवरी के टाइम में। हाँ भैया खुश हो? हैं बाइक पीछे खड़े दिखा दूं अभी, डिलीवरी टाइम पे दिखाएंगे। न्यू बाइक, न्यू बाइक नहीं दिखाता, सॉरी। आंटी जी भी आ गए हमारी, चलो भाई ले आ फटाफट। भाई ये ना देख रहे हो कैसे डिलीवरी ले रहा है, चलो भाई वेटिंग फॉर डिलीवरी। सुबह बस ऐसे से ही इतना बाकी है भाई गाड़ी में, अभी लैग गार्ड सम गार्ड बस पीछे खड़े भाई, आधे घंटे का और है, आधे घंटा और, इतना दिखा दे इतना अबे रंग दिख जाएगा, रहने दे सिलेंडर दिखा दे, रहने दे रहने दिखा दे, छोड़ दे पैदल निकलना भाई, संडे में ये सब खत्म हो जाएगी इधर की। आ चल आ जा इधर। तो भाई शाम के अभी कितने बज रहे हैं? 7:30 हो गए भाई, पेपर वर्क में इतना टाइम लग रहा ना भाई, बहुत ज़्यादा। 7:30 बजे सुबह का आया हूँ मैं यहाँ पर, मतलब अपने घर से 11 बजे निकल गया था मैं, ये भी सुबह का निकला, सब भूखे हैं, कुछ नहीं खाया किसी ने भी। 7:30 बजे तक पेपर वर्क नहीं हुआ अभी पूरा यार, दिक्कतें आ रही हैं, बस होने वाला है यार जा निकल जाए, भूख लग रही है अभी तो भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया फिलहाल, अभी मंदिर भी जाना है और बिल रेडी हो रहा है, बिलिंग हो रही है अभी, अभी मंदिर भी जाना है, पूजा भी करनी है उसकी, और बाकी क्या करना है, खाना पीना है, तुम्हें फिर खाना पीना है, फिर घर चलेंगे। बता दो भैया किस पे रखूँ? हाँ उस पर टिक जाएगा, सभी को लगा रहा है फोन के पीछे, मैं तो कह रहा हूँ बूट ले ले। पर देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे हेलमेट्स लगे ना भाई, बस इतने से शोरूम हम लोग ना पड़े क्या, अच्छे से हेलमेट्स जैकेट्स, पता है देखो ये जो शर्ट्स है ना सरोजनी नगर में 300-300 की मिल जाएगी, यहाँ कितने की है देखियो, कितने का प्राइस है इसमें? अबे ये डुअल है, डुअल है देख, टी शर्ट और शर्ट भाई, ये 2-3 हज़ार से कम की नहीं होगी, 1,000 2-3 हज़ार से कम की नहीं है, ये हेलमेट जो लगे ना पीछे 4-5 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये के हेलमेट हैं, और बाहर ये 1,000-2,000 के मिल जाते हैं। एक सामने देखो वो दिख रही है आपको किट जैकेट दिख रही है, पूरी सेफ्टी वाली जैकेट है वो, 10,000 रुपये की 10, और कुछ नहीं उसमें सिर्फ रॉयल एनफील्ड का मार्क लगा हुआ है बस लोगो। नहीं आती तो है महंगी पर इतनी थोड़ी कॉस्टली है। अब भाई यही चीज़ है, अगर तुम लो ना कंपनी से तो महंगी दे दें चीज़ें। हाँ आर्यन गए मम्मी को छोड़ने के लिए, मम्मी को बढ़ते ना, डॉक्यूमेंटेशन तो हो गए भाई, बाइक रेडी है, बाइक दिखा नहीं सकते, बाद में अगले नेक्स्ट ब्लॉग में लिखेगा, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में ना, नहीं इसमें दिखाएंगे भाई, हल्के में ले रहा, हम भी लेंगे भाई एक दिन, कब लेंगे? अभी तो कुछ महीने बाद ये लेगा। हाँ एक दो महीने बाद, अभी मैं जरा अपना गाड़ी का शौक उतार लूँ लगा जो मुझे थोड़ा फाइनेंस मजबूत करूँ, अभी बुलेट लेंगे फिर, अभी तो अपनी हंग ठीक कराऊंगा मैं, बाबा ने चाहा तो भाई अगले महीने ले लिया, बाबा ने लेना ये भी है यार। हाँ वही है, सोच रहा हूँ अपनी हंग ठीक है, बस हर देख 8 साल हो गए इस बाइक को, इंजन में सब ठीक है, बस थोड़ा सा ये मॉडिफाइड करा ले उसको, वही सोच रहा हूँ
बाकी भाई बहुत सारी बाइक हैं, जब से हम आए ना भाई कम से कम 10 डिलीवरी हो गई, 10 भाई हाँ सब ले गए, हम ही रह गए, 10 डिलीवरी हो चुकी है हमारे, खाली हो चुका देख, बहुत सारी बाइकें चली गई भाई। सोच रोज से कितना कमाते होंगे, लाखों रुपए रोज के छा रहे भाई, महीने की अर्निंग कितने करोड़ रुपए, 2 लाख की बाइक 10 बेच रहे हैं तो 20 लाख, 20 लाख पर 10 दिन के, 10 दिन के कितने हो गए अगर 20 लाख भी, कितने पता नहीं, 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़ महीने की अर्निंग कितनी होगी, 2 तो 6, 2 तो 4 तो 6, 6 करोड़ तक भाई उधर नहीं है, टर्नओवर होगा भाई, उसके बाद गाड़ी लाना, और फिर यहाँ पर जीटी भी जाती है, नहीं फिर मॉडल आते मतलब 4 लाख बचा लेता होगा मालिक अपना, 4 करोड़ हाँ भाई मतलब, हाँ हम भी खोलेंगे, चलो कोई नहीं भाई, अभी तो भूख लग रही है फिलहाल, भूखा इरिटेट हो रहा है बैठा बैठा, गाड़ी अपनी रेडी है भाई, लाल कपड़ा लगा के थंबनेल बना लूं, गाड़ी कौन सी वो दिखाने पूछने के लिए कि गाड़ी कौन सी अंदर, बस अभी लाल कपड़ा हटाएंगे गाड़ी निकालेंगे अपना घर सीधा, हंटर निकल जाएगी, हंटर भाई हंटर लिया, हंटर लिया भाई, ये दी, ये बता दिया तो हंटर लिया, टॉप मॉडल है ना इसका, इससे एक टॉप, इससे अलग रंग है, रंग अलग है, बस कुछ मिनट और भैया, ये वाला हेलमेट मिला साथ में, ये वाला भी लगा, कौन है 3, 2, 1 भाई पेट्रोल भरवा रहे हैं, डिलीवरी ले लिए भाई, अब जाएंगे मंदिर से पूजा करवाने, पेट्रोल डल रहा है अभी, तो भाई अभी घर पे आ चुके हैं और पूजा वगैरह हो गई थी बाइक की, भाई थोड़ा जल्दी घर आ गया था मैं, तो बाप ने फिर से मिलने गया था, तो फिलहाल भाई बाइक की डिलीवरी हो चुकी है और बहुत भाई खुशी है कि मतलब बहुत मेहनत के बाद चीज़ें आती हैं, गाड़ी ली थी जब मैंने बड़ी मुश्किल से आई थी, वो भी बड़ी मेहनत से आई थी, और आर्यन ने लिए बाइक, वो भी बहुत मेहनत से आई भाई, तो बाइक ले ली फिलहाल, और अभी आगे के प्लान्स बहुत कुछ हमारे ट्रिप्स के रहेंगे, जैसे भी रहेगा देख लेना, फिलहाल भाई अभी तो बहुत खुशी है कि बाइक आ गई, एक्साइटमेंट है, और भाई जो स्मूथ चल रही है ना बाइक, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ये वाली बाइक ऐसी है कि ये वाली बाइक मैंने मसूरी में चलाया था, इसका थोड़ा सा ओल्ड मॉडल, लाइट कलर थोड़ा सा इसका जो आता है, बहुत प्यारा लगता था मेरे को, और ये वाला कलर जो है थोड़ा आर्मी कलर है, मतलब मस्की ग्रे ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, बहुत प्यारा कलर लगता है भाई, ये मेरी ना वन ऑफ द फेवरेट बाइकों में से एक थी जो आर्यन ने लिया, और मैं भी शायद लूँगा तो शायद यही लूँ, और अभी आगे आने वाले प्लान्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, जैसे भी रहेगा आप देख लेना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।